बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं आज उस गांव में मौजूद हूँ जिस गांव में इंदिरा गांधी के ससुराल वाले या उनके रिश्तेदार जो बिलोंग करते थे, और अलमिंदर गिल साहब हैं जो इंडियन अदाकार, उनका बताया जाता है कि वो इसी गाँव से बिलोंग करते थे, इसी गाँव में वो रहते थे। जब 1947 के बंटवारे में वो उधर चले गए और बकाया जादू उनकी हवेली वगैरह और मंदिर शंदर जो भी हैं, तारीखी मकाम आते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, इतने अपना एक दोस्त ने, भाई मिले ने, मैं इन्हों को पूछने की कोशिश की है कि इस पिंड दे विच की खसूसियात थी, एक पुराने मकाम क्यों ने, तो अही भाई को जानने हैं। जनाब, की पिंड की सूरत हाल है कि थाई थाई सानू देखो कच्चिया इमारतें ते पुरानिया ही बिल्डिंग नज़र आंदियां ने, कि वाकई कोई तारीखी मकाम आते। जी जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये साडे वड्डे वडेरे दसदे ने कि इथे धर्मिंदर जिहड़ा सी ना, ओह रहंदा हुंदा सी इंडिया दा धर्मिंदर सिंह, जिहड़ा फिल्म एक्टर, जिहड़ा फिल्म जी 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 जी, ओह रहंदा हुंदा सी इथे। ते जदों जंग लगी सी ना, ओह फिर पाकिस्तान छड के चले गए सी। जंग 1947 दी जंग लगी सी। सही सही। ते इथे अंदर वड्डी हवेली भी है। बड़े मशहूर हाई स्कूल है, उत्थे भी उन्होंने नाम लिखे हुए ने काफी मसन, छोटा स्कूल भी उन्होंने दौर का ही बने। सही सही। ए वाला, हाँ जी हाँ जी, ए जी निक्का स्कूल है, भाई दसते पे ने, तो मैं बहा सका बाद चू। अच्छा, मंदिर भी है जिथे धर्मिंदर सिंह जाते होंगे, जिथे अपनी बहादुर बिलकुल मौजूद। मैं जनाब थानू हवेली हूं ही बहाना वा, हवेली का व्यू किस तरह का है, ठीक है, पुरानी जी हवेली किस तरह वे, छोटी वीडी हवेली के ना कोई पिंड मशहूर, तो नाले मंदिर भी तुम वहां की मैं कोशिश करा पूरी। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਲਾਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਤਲਾਬ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਾਓਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਰਤਲ, ਕਰਤਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿਹਦੀ ਹਵੇਲੀ? ਉਹ ਗਾਂਧੀ, ਗਾਂਧੀ ਹਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, 71 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਲੀ ਲੱਗਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, 71 ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये जनाब देखें आप, इंदिरा गांधी के नानकों का गांव, क्या बात है यार,
यानी कि इत्थे आ के एक अजीब ही कैफियत जिहड़ी है सानू इस तरह मैनू महसूस होया कि जिस तरह मैं वही पुराने वेले दौर दे विच मैं बढ़िया होया वा सारा यानी कि अंदरूनी जरा है की भाई घर है घर है जी को इजाजत नहीं दे सकते है ये ऐसी बड़ी वेली वाल जाने पे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान की हाल ठीक हो ऐ जी मारता हूं देखो पुरानी हवेलियां पुराने दौर अस्सलाम वालेकुम जी किस तरह खस्ता हालत दियां ने ऐ जनाब देखो ऐ इंदिरा गांधी होरां दी हवेली है ऐ इत्थे रहिंदे ने नहरू जी दे ससुराल वाले ऐ बड़ा ही तरीकी मकामात ने साडे इत्थे पंजाब दे विच बहुत ही ज़्यादा तरीकी मकामात ने पूरी यानी कि जी हवेली दी हवेली पूरी गली दी गली यानी कि उन्हां दी हवेली वड्डी है चेक करो ये जनाब आप देखें ऐसे बाहर से पूरा ये इंदिरा गांधी की हवेली है नानकों की देखे माशा इट्टा दे मकान ने उदो यानी कि कोई सीमेंट वगैरह नहीं सी चूना ही लगा हुआ ही ते हजे तक मजबूत ने छोटिया इट्टा दे असरा रात जिरे ने मकान हजे भी अपने कैमो दाइम खड़े ने माशाल्लाह मैं पूछा उन्होंने को हजरत साहब रा को कहना जी इंदिरा गांधी के अजीज ना रिश्तेदार हैं उन्होंने कोठी ही महल सी पूरी हवेली जी तकरीबन चार पाँच किलिया उत्ते हूँ जी यानी कि टूट फूट का शिकार है तो अद्धी रह गई है किस तरह पुरानी फनी तलीम का अज का शाहकार नमूना है वेखो चूना जरा हजे भी उतर रहा वे तो हवेली जी इंतहाई दिलकश है तो हजे तक सू इजाजत नहीं मिली है कि उन्होंने को पूछने की कोशिश की कि असी अंदर का व्यू करना वे तो ऐ पिछे खलोते हुए इन्होंने भेजे अंदर मैं जाओ कोई ना किसी बुलाओ घर आए क्योंकि इतने कोई ट्रेन के पिनर है छे तो उन्होंने पूछे कि जी अभी तुम्हें बहाने दसते हैं इतों जो तुम बहा सका पुरानी बिल्कुल जाली लगी हुई है सू तकरीबन 100 साल पहले की पुरानी हवेली की अंदर कबाड़ शबाड़ी पिया वे तो जी सानू इजाजत हूँ मिल गई वे ए दरवाजे का हिंटर हो गया उन्होंने आख्या जी तुम नीचे नीचे वेख सकते हो उपर नहीं ऐ जनाब तुम वेख सकते हो पुराना दीवार से फनी तलीम छत्त हजे तक उ छत्त जजे तक उ निगिठियां रखी होंगे सन उस दौर जिसे चिराग वगैरह रखते सन लोग वेख सकते हो जनाब बिस्मिल्लाह ये जनाब देखें ये जी नेहरू जी के जो खानदान है आधा यानी कि नेहरू जी के जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं जी इधर के बिलोंग करते थे पुरानी छतें देखें आप क्या बात है अस्सलाम वालेकुम ये देखें जनाब ये देखें जी पुराने इधर रोशनी नहीं है तय खाना टैग बना हुआ है तो ये जनाब इधर भी सुरंग सी है इधर सुरंग है ये जनाब इधर कह रहे हैं बच्चे के इधर सुरंग थी तो वो आप देख सकते हैं सुरंग टाइप की बनी हुई है तो ये देखिए बंद भी की ये जनाब देखे आप तो अनु हवेली बहान का मकसद ये है कि जो पुराने विरसे ने किस तरह असा लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं उन्होंने जो छड़ गए ने इतने बाले जो टपकते पिन उत्ते रहायश है तो उपर वाला जरा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने मना किया वे कि असी उत्ते तुम नहीं बहा सकते असं उपर खाना वगैरह बना रहे हैं सब तो मजे की गल है कि नलका तुम वेखो कि नलका जरा हजे तक उ पुराना नलका जरा ना लगा होया है ए नलका वेख ए उत्ते एक लैदा ही चुंज लगी हुई है नलका उही पुराना है ए मेरे ख्याल नाल उन्हां दे जेरे इस्तेमाल रहा वे
जो नलका उन्होंने जेरे इस्तेमाल च रहा उन्होंने पानी च रहा है हूँ पानी नहीं देता है ते एक सुरंग बच्चे दसते पे ने इत सुरंग भी सी एक उन्होंने बंद किया वेखो जी उदू सुरंगा बनाई हुई सन वेखो जी उपर सीढ़ियां जांदियां पियां ने इधरों भी सीढ़ियां जा रही जो उत्ते रस्ता उपर जा रहे पुराने वेखो किस तरह बनाए हुए ने तो ये जनाब आपको दिखा रहा हूँ ऊपर भी आप देखें माशाल्लाह ये जी हवेली तो काफ़ी बड़ी थी तो आधी जो उन्होंने विज़िट करने दी है आधी विज़िट नहीं करने दी उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर फैमिली है तो हम नहीं जाने देंगे तो ये आप दे सकते हैं इधर भी जाने का रास्ता है दो दो रास्ते बनाए हुए हैं एक उधर तो अभी चल रहे हूँ अगे भी कोई हवेली है एक मंदिर है अच्छा जी किन्ना को दूर पैदल किन्ना को दूर है चलो जी असि हूं अगे तुम मंदिर बहाने की कोशिश करा गे लो जी ये तुम वेख सकते हो किस तरह इमारत ने पुराने खंडरात का मंजिल पेश कर दिए पे ने भी इधर भी मेरी साइड पर वेखो किस तरह हवेलियाँ पुरानिया लोगों ने रहायश पजीर की हुई नेहरू जी का खानदान जरा सी अद्धा खानदान जरा सी बल्कि अद्धे तो ज़्यादा जरा ही पाकिस्तान बिलोंग करता सी डस्का डस्के का एक छोटा जहा पिंड है की ना पिंड का करतल पिंड का ना है जे देखो गलियाँ उसी तरह ही ने उचिया नीचिया सारिया ही असी जनाब हूँ अं कोशिश करा तो जरा वहा सकी मंदिर श्री राम जी का कहें जी मंदिर ही इतने यह देखो जी यह भी कोई पुरानी इमारत है दुकाना सन जी पुरानी हट्टियाँ एक इंज की इतने भी सी ढा दी उन्होंने तो जी बच्चे दसते पे ने इंजी दुकान बिल्कुल पुरानी हट्टियाँ जो पुरानी हट्टियाँ होंगे सन आप उधर दिल्मा वेखिया होंगे पार उस तरह की इतने जी सब तो मजे की गल है कि लोड वेडिंग जी फिल्म से फाद मुस्तफा की वो इस पिंड बनी सी पिंड इस पिंड फिल्म बनी सी लोड वेडिंग फिल्म लोड वेडिंग ना है ना लो जी लोड वेडिंग ना से फिल्म का यह भी देखो जी तरीकी मकाम पिंड चेक करो इटा जीडिया ने हजे तक जीडिया ने पुरानी ही इटा ने माशाल्लाह एडे मजबूत मकान बने हुए सर पुराना उस वेले का दरवाजा वे पुराना अज तो जरा 50-100 साल पहले का दरवाजा है हवेली तुम देख सकते हो मैं तुम्हें कोशिश करांगा कि मंदिर वहां की कि मंदिर जरा वो किस तरह का मंदिर से यह भी एक हवेली है किस तरह यानी कोई टूटी फूटी का शिकार है तरह उदू बार कहीं बननी हुई अज के दौर के मुताबिक स्कूल है जरा भाई जी दसते पे सन कि यह स्कूल उस वेले का स्कूल पहले यह स्कूल तुम देख सकते हो गौरमेंट प्राइमरी स्कूल है कलकत्तर ठीक है मरकज समड़ेवाल है ठीक है वह स्कूल है तो पुराना ही स्कूल है उस वेले का स्कूल अज भी कायम है तो जरूर जे स्कूल उस वेले का कायम है तो मैं इस गल तो अपनी यकीन कह सकना कि दविंदर सिंह साहब इतने ही अपना स्टडी करती हुई उन्होंने जी तलीम हासिल की होगी इतने ही पढ़े होने ने तो हूँ असं जा रहे हैं उस अपना अच्छा हूँ असं जाते पे हाँ तो अपना वेखन वास्ते जरा तालाब भी है उन्होंने अपना पोर किया तालाब के जरा मंदिर मंदिर अभी तुम वहां की मैं कोशिश करा तो यह तुम देख सकते हो पुराने टीले कबर वगैरह जरिया बनिया ने पुराने
जी ए बोर्ड है, यकीनन मैं कह सकना वा ए बोर्ड वह वे जिथे अलमिंदर सिंह साबरी या इंदिरा गांधी के जो नानके ने उन्होंने रिश्तेदार जरूर कोई ना कोई इस बोर्ड की छां उत्ते बैठे होने या खेले होने ने। तो मैं तुहानू विखा सकां वह परा पहाड़ी भी आ ते ए जनाब वह इन्हों का मंदिर है श्री राम जी का उन्होंने मंदिर है। तो तुहानू मैं मंदिर विखा की कोशिश करना वा अगे मंदिर चलो तुम वेख सकते हो किस तरह असी दिशवार रस्तियां दे विचों तुहानूं वीडियो बना के तुहानूं सेंड कर रहे हैं तुहानूं विखाने असी बेहतरीन तुहानूं अही विखा सकी कि साडा पंजाब कितों कितों उधर दे लोग बिनोल करते सन उत्थे उधर दे लोग रहिंदे ने या इधर दे लोग किस तरह रहन सहन सी उन्हां दा। हजे किसी ने हवेली वगैरह बना ली उत्थे ए तुहानूं मैं विखा सकां श्री राम दा उन्हां दा मंदिर है ठीक है। तो बाई जी दसदे पे सन पिछे कि इन्हां दे दो तलाब ही सन जिन्हां दे विच इह नहांदे सन अपना नूं पाक साफ जिहड़े करदे ने उपर उन्हां तां मेरे ख्याल नाल कोई निशान होना कोई टल छल दा टलियां छलियां टंगन वास्ते जां पुत शुद्ध कोई इस तरह दा उन्हां दा निज़ाम है उह ही बेहतर जाणदे सन। ऐसे तुहानूं विखाउण दी कोशिश करांगे पूरा तुसीं यकीन करो इस तरह दियां हिस्ट्रियां वेख के जदों दे असीं सांझे सां कट्ठे सां जदों दे साडे वक्ख होए ने इस तरह दियां हिस्ट्रियां वेख वेख के सानूं बड़ा ही दिल नूं एक अजीब कफीयत एक सकून मिलदा वे पुरानियां इमारतां वेख वेख के। ऐ जनाब वेखो तुसीं एक टोया भी अंदर मंदिर दे अंदर जाण दा ठीक है असीं फिलहाल नहीं जा सकते। ਇਹ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਨਾ लो जी बहुत ही गाइस बहुत ही खस्ता हालत का है मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है इसकी चले जाते हैं अंदर। लो जी बच्चे कहते पे ने चले जाते हैं तो मैं जिस तरह बच्चा चढ़ता पै इस तरह मैं चढ़ने की कोशिश करना वा पूरी मैं उत्ते चढ़ने की कोशिश करने लगा ठीक है तो मैं उत्ते चढ़ने की कोशिश करने लगा लो जनाब असी आ गए हैं उपर इन्हां दे मंदर पुराने ठीक है। यकीनन मैं इस गल दू दावा कर सकना दावा नहीं बल्कि अपने यकीन नाल कह सकना कि उन्हां दा बुत दा होना है कि जिथे इन्होंने अपना कोई भगवान शगवान जो भी उन्होंने रखा होना अपना ठीक है। ए वेखो जी सुरंगा अपना चिराग बत्ती जी बालते रहे चिराग उस वेले का है उस वेले के दाग दब्बे लगे हुए ने पुराने उत्ते तुसीं शाकार वेख सको टली आ उत्ते टली का निशान आ विखा सका तुहानूं मैं टली का निशान है जी टली जाते सन मंदिर च वड़न लगे हाँ ठीक है अक्सर आपां उन्हां दी फिल्मां च वेख्या होना है। ऐ जनाब ਇਹ ਗੋਹੇ ਗੂਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਹੇ ਗੂਹੇ ਰੱਖ ਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਹਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜੀ लो जी गाइस वह तालाब जे हजे भी मौजूद है जिथे नहाते रहे ने अपने आप नू पवित्र करन वास्ते।
ਐਦ ਰਾਤ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਹਦੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਬੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਉਪਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਇਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨਨ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ
पुरानी दुकान जी पुराने बुकों की दुकान बहारना पा वा समान अजदा ही लगा वे दुकान पुरानी है छत वेखो पुरानी बिलकुल दरवाजा रखे उन्होंने बार का किस तरह पुराने मकान ने दुकान दे इस तरह जीडिया ने हजे भी वही लगी हुई ने पुरानी क्या बात है चेक करो गाइस गली वेली वेली है उस मामा हवेली हवेली का तुम पिछला बैकग्राउंड वाहना पा वा जरा इंदिरा गांधी के नानकों का पिंड है या ससुराल का कहा जाता वे तरीक दे यही मिलता पे इतों के मुकामी लोगों को मैं पूछा वो यही दसते हैं कि फलाने फलाने का पिंड है लो जी एक मकान है टूटा होया पुराना ही तो मैं देखने की कोशिश करना कबाड़ शबाड़ बनाया अंदर तो छत उ पुरानी ही ने हजे भी चंगाठा उ लगिया हुई पुरानी तो सामने भाई जी ने इन्हें को पूछने की कोशिश करने हैं कि पेंड एक जनाब हरी होर भी लेने भाई हरी सलाम अलैकुम भाई जान की वालेकुम सलाम अपना सर जी मेरा जमशेद जमशेद साहब जमशेद साहब का पिंड की तारीख के बारे दस सकते हो क्योंकि मैनू काफ़ी ज़्यादा इतने तारीखी मकाम जो ने पुरानी हवेलियाँ मंदिर वगैरह तुम देखने मिले ने हाँ जी कि सर यह बहुत पुराना पिंड है इंदिरा गांधी के नानके ने उन्होंने पिंड है सौ दरवाजा जे तो खिड़कियाँ किनिया जे कोई 200 खिड़की होनी 200 खिड़की जी माशाल्लाह जी पुराने तौर ते इंदिरा गांधी दे नानकियां दा पिंड हां जी नानकियां दा हां जी कदीम तरीन पिंड है इस तो पुराना पिंड तुहानू पूरी तारीख च नहीं मिल सकदा वाकई ही मैं पूरियां तारीखां ते यानी कि पूरे यानी कि पिंड पिंड थाई थाई जाके मैं वेख्या वे ते मैनू जिन्नी पिंड इस पिंड ते फिरन दा मजा आया वे वेखण दा तारीख दा इन्ना अज तक किसी पिंड दा इत्थों तक कि शाही किले दा भी नहीं मजा आया जिन्ना इस पिंड दा मजा आया वे हाँ जी आस्ता आस्ता पुराने जिन्हें भी मकान है सारे ढाते बिल्कुल आप देख सकते हो गाइस मकान लोगों ने ढा टू के नवे बना ले ने हाँ जी जो पुराने ने डिगते जा रहे ने नवे बनते जा रहे सही हो गए पुराने जमाने च लाइट नहीं होंदी ते हर कमरे च हर जगह ते ए छोटे छोटे तुहानू नजर आउंदे बिलकुल दीवे दुवे रखदे ही लाइट वास्ते रोशनी वास्ते उस वास्ते बनाया सही सही ठीक हो गया जनाब दिया गलियां जो पुरानिया ही तो पुरानी इमारतों तो नाल असी पिंड चो चैकआउट करने की कोशिश करने पे हाँ पर जिस तरह तुम्हें पता है कि पुराने वक्तों से उन्होंने हवेलियां सन घर सन तो बंदा बुल भलैया घूम जाता ही देखो स्ट्रीट उन्हों की कैसी ही गली छोटी जी बिल्कुल गली है तो मैं एक मजीद एक घंटे तो कोशिश करना पा वा कि मैं गलिया चु निकल सकता बाहर मेन जी सड़क उधर पर मैं हजे तक वो सड़क नहीं मिली हैगी इन बल्ब लिया गलिया के देखो पुराना दरवाजा कोई पुराने वक्त लो जी ए मैं तुम दोबारा फिर विखाना पाया ए उन्होंने भगवान है ठीक है दरवाजे उत्ते उन्होंने निशान रखे सन एक ए उन्होंने रखे है निशान जिस तरह इस पिंड दे विच मंदिर बनाया गया वे तो यकीनन मैं इस दावे नाल कह सकना वा कि इस पिंड च जिहड़े भी सिख भाई रहिंदे सन या हिंदू रहिंदे सन वह कि आम मारे मोटे नहीं सन वह चंगे भले ठीक ठाक सन क्योंकि उन्हां दियां इमारतां वेख के ही मैं दस सकना वा इमारतां तो ही वेख के पता चलता है कि उन्हां दे मंदिर तुसीं देखो किस तरह उन्होंने अपने यानी कि उस दौर च बड़े फनी फन दा मुजाहरा किया गया वे ठीक है तो देखो अच्छा जी मैं अज चाहना वा तुहाडे अज दे ब्लॉग तो मैं चाहना वा इजाजत तो उम्मीद करना वा अज दा मेरा ब्लॉग तुहानू बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें
ताकि मेरी जो हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।